अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं शुरू कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, वो भी शुरू कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे आज। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव कैसे होता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करूंगा। आपको पता होगा हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी इज नन अदर दैन द्रौपदी मुर्मू जी। वो बिलोंग करते हैं उड़ीसा से एंड सी इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडेड आई बिलोंग टू भुवनेश्वर उड़ीसा, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, आई हार्टली सैल्यूट हर फॉर अचीविंग दिस सक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हो हम पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे एंड रामनाथ कोविंद के बाद, यानी कि जुलाई 25, 2022 के बाद द्रौपदी मुर्मू जी बने हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर एक प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, कोई प्रेसिडेंट कैसे बन पाएगा, उसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा बच्चों। उससे पहले मैं थोड़ा उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, बट उनके ऊपर थोड़ा आइडिया करूंगा। सी बिलोंग्स टू अ स्टेट ऑफ उड़ीसा, एक जगह का नाम है मयूरभंज, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वो उड़ीसा से बिलोंग करती है। सी वॉज सोर्न इन द गवर्नर ऑफ झारखंड, वो पहले गवर्नर भी रह चुकी है, ठीक है, वो पहले गवर्नर भी रह चुकी है एंड सी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजिशन, शी इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ झारखंड। अब सी इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया डेजिग्नेटेड ट्रिबल कम्युनिटीज टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। यू नो दिस इज द वेरी प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन, we choose and we treat every person as equal, and unka example abhi aapko mila hamare president, she is the first scheduled tribe president of india। next, ab hum topic pe aate hain ki election, president ka election kaise hota hai, usi ke upar main baat karungi, iske upar this course will help for all the upsc aspirants, all state public service students, or those who have studying political science, or जिनका सब interest है। और मेरा मान आप मुझे पूछोगे तो हर कोई citizen of India को political study थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे country में रहते हैं, अगर हमें पता ही नहीं election क्या होता है, हम जाके election देते हैं, there is no point। We should have some knowledge कि president कैसे elect होते हैं, prime minister कैसे होते हैं, CM कैसे होते हैं। As a humble citizen, as a educated citizen, we all should know this। Next, चलो बच्चों, इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ballot system use करते हैं। ballot system क्या होता है, आपको जो वोट डालना होता है आप वो secret बोला जाता है, आप किसी को बोलोगे नहीं and इसको preference देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक का नाम डाल दिए बात खत्म, आपको वहां पे preference देना होता है, लाइक ए बी सी डी, मान लो चार लोग है, आपको चार लोगों का प्रेफरेंस देना है, 1, 2, 3, 4 करके देना है। अब 2022 में एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, फॉर मार्किंग द वोट द कमीशन विल सप्लाई पर्टिकुलर पेन, द पेन विल बी गिवन टू द इलेक्टर्स इन द पोलिंग स्टेशन बाय डेजिग्नेटेड ऑफिशियल व्हेन द बैलेट पेपर इज हैंडेड ओवर। वहां एक पेन आपको दिया जाएगा, उसी पेन को ही आपको यूज करना है, एंड एक नोटिस भी आया था आपको क्या कैसा फॉलो करना है, प्लीज डू नॉट कैरी मोबाइल और सेल फोन, दैट इज ओके, प्लीज कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड व्हिच इज मैंडेटरी, इफ यू डोंट हैव आइडेंटिटी कार्ड दे विल नॉट अलाउ यू टू वोट इट, प्लीज मार्क द प्रेफरेंस ऑन द बैलेट पेपर ओनली। यानी कि ये जो सब नोटिस है ना, इसको आपको पूरा फॉलो करना है। सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इतना बड़ा चीज है, आप यू नो लाइक सबसे बड़ा कंट्री है हमारा, यू नो कंपेयर टू चाइना नेक्स्ट हम इंडिया है, और उसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना अच्छा काम कर रहा है, आप मानो या ना मानो मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ वेरी बेस्ट थिंग, एंड इंडिया एक एग्जाम्पल है अदर कंट्री के लिए कि इलेक्शन कैसे होता है। अब द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों ये बात है कि
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं मान लो दो इंसान खड़े उनका नाम मैंने डाल दिया वो जीते, नो वी आर नॉट डायरेक्टली वोटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वी आर वोटिंग इनडायरेक्टली, हम वोट नहीं करेंगे मगर हम जिनको चुने हैं लाइक एमपीज एंड एमएलए वो वोट देंगे हमारे हमारे एंड से। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन। मान लीजिए 10 करोड़ लोगों को कुछ एमपी लीड कर रहे हैं, वो एमपी जिसको देंगे वोट वो क्रेडिट जाता है एमपी को, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग अस, वी आर नॉट डायरेक्टली गिविंग द वोट, एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट एंड वोट्स बाय सिलेक्ट सीक्रेट बैलेट। ये सीक्रेट बैलेट है भाई, ये है हमारा सीक्रेट बैलेट जिसमें आप वोट भरोगे। एंड ट्रांसफरेबल वोट क्या है, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको एक चीज क्या होता है। देखो बच्चों, पहले मैं बताऊं, अभी बताया कि हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो करता है कौन सर, सर एमएलए करते हैं, सर एमपी करते हैं। यहाँ पे और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा, राइट, ये लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में हमारे 543, राज्यसभा में है 250। अब ये जो 543 मेंबर लोकसभा में है एमपी, वो सब इलेक्टेड है, मतलब हम उन्हें इलेक्ट किए हैं, बट आउट ऑफ 250 इसमें 238 ही होता है इलेक्टेड, और बाकी जो 12 है ना ये है नॉमिनेटेड। अगर आप कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गए लाइक तेंदुलकर, आप बड़ा सिंगर बन गए, कुछ कुछ नॉमिनेटेड 12 लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वोट आवर प्रेसिडेंट। सो ओनली दोज एमपीज जो इलेक्टेड हुए हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड हुए, दे ओनली कैन वोट आवर प्रेसिडेंट, दे कैन चूज आवर प्रेसिडेंट। ये आपको जानना था कि क्वेश्चन पूछता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आर अलाउड और नॉट, द आंसर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है, ओनली इलेक्टेड पीपल कैन वोट। अब हम बात करेंगे एमएलए, मैं अभी बोला कुछ लोग होते हैं लाइक एमपी एमएलए हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो एमएलए का वोट वैल्यू क्या है। देखो बच्चों, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, आप उड़ीसा के बारे में बात करो, आप कर्नाटका के बारे में बात करो, आप तमिलनाडु के ऊपर बात करो, आप कोई भी स्टेट उठा लो, मान लो उसका पॉपुलेशन है फॉर एन एग्जाम्पल 5 करोड़, राइट, उसका एग्जाम्पल 5 करोड़, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एमएलए, मान लो उसमें वो स्टेट में एमएलए अराउंड 1, मान लो 200, राइट, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000, जो वैल्यू आएगा उतना, माइक ये जो ये है अप्रोक्सीमेट, माने एक इंसान, एक एमएलए, 1 एमएलए कितना लोगों को रिप्रेजेंट करेगा व्हेन ही और सी इज वोटिंग फॉर आवर प्रेसिडेंट। अब मान लो एमपी का कैसे करोगे, अब टोटल ऑफ एमएलए वोट जितना हमें एमएलए वोट मिला डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, इससे पता चलता है कि मान लो हम 100 लोग हैं, राइट, मैं आसान तरीके से बताता हूँ, 100 लोग से हमारे लीडर 2 है, अगर 2 लीडर है, अगर मैं डिवाइड करूंगा सर, एक लीडर के अंडर आएगा 50 और एक लीडर के अंडर आएगा 50, वैसे ही एमएलए का वोट का कुछ वैल्यू होता है, एक एक वोट एमएलए का, एक वोट वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए बोला जाता है कि वी आर नॉट डायरेक्टली वोटिंग, हमारे एमपी एमएलए ही करते हैं वोट। उसके लिए ये जो फॉर्मूला है आप पुट करने से पता चल जाएगा एवरेज, एंड ये हर स्टेट के लिए डिफरेंट है, ऑफ कोर्स हर स्टेट का पॉपुलेशन डिफरेंट है, नंबर ऑफ एमएलए इज डिफरेंट, नंबर ऑफ एमपीज ये सब काउंट होता है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलता है। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, ये तो बता दिया, अब ये हमारा बैलेट में देखिए, ये एक फोटो अभी रिसेंट लिया था हमारा जब प्रेसिडेंट का वोटिंग हो रहा था, सो दिस इज द फोटो टेकन, ऑल राइट। अब चलो, अब मैं आता हूँ इलेक्शन कैसे होता है। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल, ये लाइन को ना मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ट्रांसफरेबल यानी कि आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा, ये कैसा वर्ड है मैं आपको समझाता हूँ। ईच वोटर गिव्स हिज और हर प्रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मान लो आपके पास 4 लोग हैं वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए ना, ए बी सी डी, 4 लोग खड़े हैं, तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हम वोट दिए ए को, दिए प्रेफरेंस, दिया आप प्रेफरेंस दे दीजिए, मान लो 4000, 4000 लोग वोट दिए, बी को दिए 5,500, सी को दिए 2,200 और डी को दिए ये आएगा 1,500,
वैसे डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम होगा तो मान लीजिए डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम है तो वैसे तो बी इज द विनर, बी कैन बी विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है तो अगर इसको प्रेफरेंस में अभी चेक करूं, इसको मैं प्रेफरेंस से चेक करूं, सर बी आएगा पहले, देन आएगा ए, देन आएगा सी, देन आएगा डी। डी में 1500 वोट है, यानी कि 1500 लोग दिए वोट। अब क्या होगा, इसको ना आपको कट करना होगा, मतलब ये 1500 वोट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उनका फास्ट प्रेफरेंस था डी, जो 1500 लोग दिए थे उनका फास्ट प्रेफरेंस थी, मगर जब वोटिंग काउंट हुआ उनका नंबर 4 में आया, तो दे विल मूव टू सेकेंड प्रेफरेंस। मान लीजिए ये जो 1500 लोगों से 400 लोगों का सेकेंड प्रेफरेंस था बी, यह हो गया 400, उन्हीं में से 100 लोगों का प्रेफरेंस था ए, उन्हीं लोगों का 500 था सी, और उन्हीं लोगों का 500 था डी, मगर उसको तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे सॉरी, सेकेंड प्रेफरेंस में मान लो ये हो गया 900, ये आ गया आपका 600 मान लो, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, इस डी को आप काट लो क्योंकि ये तो ट्रांसफर कर लिए, तो ए का क्या हुआ, 4000 प्लस 600। जैसे ये आएगा, बी का आएगा 5000 प्लस 400, 5500 सॉरी, देन सी आएगा 2200 प्लस 500। अब वैसे देखा जाए ये आएगा 4600, ये कितना आएगा 5900। वैसे देखा जाए तो सर बी जीत रहा है, तो अब क्या होगा, नहीं तो फिर कम से कम सबसे कम क्या है सर, ये है 2700। अब सी क्या करेगा, बी एंड ए में ट्रांसफर करेगा। अब होने के बाद फाइनली हमें ए बी हो या सी डी हो या ए सी हो वो मुझे नहीं पता, तो कोई भी मिलेगा, मान लो ए का मिला मुझे 5200 फाइनल और सी का मिला 4100, तो फाइनल ए में जो खड़े थे, जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े थे, सी और ही विल विन द इलेक्शन। सो दिस इज अ ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आपको प्रेफरेंस देना होता है, सबसे कम जिसका मान लीजिए डी में आते उनको वहां पे नल कहा जाता है, उसी को फिर से आप ट्रांसफर करते हो, देन ऐड करते रहते हो, तो फाइनली हमें दो कंपैरिजन मिलता है। उन्हीं दो कंपैरिजन से जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग हो, हम उन्हें बोला जाता है कि ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये कितना थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, बट वी आर फॉलोइंग व्हाट एवर द लॉज आर रिटन। ओके, वी आर फॉलोइंग व्हाट एवर द लॉज आर रिटन, वी आर ओनली फॉलोइंग। सो ऐसे ही करके हमारा वोटिंग सिस्टम होता है, एंड द क्रेडिट गोज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो जो लिखा गया हम वी आर ओनली फॉलोइंग इट। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ये तो थोड़ा आइडिया था कि कैसे इलेक्शन होता है हमारे प्रेसिडेंट का। मैं आगे भी लेक्चर सब बात करूंगा सीएम के बारे में। पॉलिटिक्स देखिए एक ऐसा चीज होता है, कोई डिस्क्राइब एक ही पर्टिकुलर मैटर में बात करने से पॉलिटिक्स खत्म नहीं होता है, वी हैव टू गो टू द डेप्थ, स्टिल देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच विल स्टक इन टू आवर ब्रेन। एनीवेज, होप यू लाइक माय लेक्चर्स। इफ यू लाइक माय लेक्चर्स, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।